यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हैं, यहाँ पे जियो की स्पीड है, मेरे को यहाँ पे 14 MB तक यहाँ पे स्पीड मिल रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ जियो का एक APN है, वो APN आपको अपने फ़ोन पे अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद अगर आपको जियो की स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिल रही तो आपकी जियो की स्पीड पे काफ़ी इंप्रूव होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना, फ़ोन की सेटिंग के अंदर चले जाना, यहाँ पे आपको वाईफाई या इंटरनेट मिलेगा या आपको अकेला यहाँ पे सिम नेटवर्क मिल सकता है। यहाँ पे आपको सिम एंड नेटवर्क पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको अपनी जियो की सिम पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको असेस पॉइंट नेम होगा, आपको असेस पॉइंट नेम पे चले जाना। यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल देखने को मिल रहा, नहीं मिल रहा तो नीचे आपको बॉटम पे प्लस का सिंबल देखने को मिल रहा होगा या आपको न्यू APN मिल रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नेम पे क्या डालना, ध्यान से देखिएगा, जो मैं डाल रहा हूँ वही आपको अपने APN पे डालना। यहाँ पे आपको जियो लिख देना, जियो आपको स्पेस दे देना, यहाँ पे आपको जियो प्लस लिख देना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो प्लस लिख देना, आपको ओके कर देना। APN पे आपको स्मॉल लेटर पे जियो नेट लिखना, यहाँ पे आपको कैपिटल में कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिंपल स्मॉल लेटर पे जियो नेट लिख देना, कोई स्पेस नहीं डालना, यहाँ पे आपको ओके कर देना। प्रोक्सी नोड सेट, पोर्ट नोड सेट, यूजर नेम एंड पासवर्ड नोड सेट, सर्वर पे आपको नोड सेट ही रहने देना, यहाँ पे आपको google.com नहीं लिखना। MMSC नोड सेट, MM प्रोक्सी नोड सेट, यहाँ पे भी आपको MMS पोर्ट पे नोड सेट ही रहने देना। MCC, MNC, ये मेरी वीडियो देखें या किसी और की वीडियो देखें, यहाँ पे आपको नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ये आपका एरिया के नेटवर्क नंबर होते हैं, ये आपको चेंज करने पे आपकी जियो की स्पीड बिल्कुल बंद हो जाए। ऑथेंटिकेशन टाइप पे आपको यहाँ पे भी PAP सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे भी आपको नोड सेट ही रहने देना। APN टाइप के आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट कट करके कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे आपको APN प्रोटोकॉल पे IPv4 एंड 6 जो साथ में आपको उस पर क्लिक कर देना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे आपको सिंपल IPv4 पे क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे बैरियर पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपल LET आपको क्लिक कर देना। अनस्पेसिफाई यहाँ पे टिक होगा, अनटिक कर देना, आपको सिंपल LET पे क्लिक कर देना। सिंगल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, ओके कर देना। यहाँ पे MVVNO टाइप पे आपको यहाँ पे नोड सेट ही रहने देना, यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना। अब आपको चले जाना टॉप पे, राइट साइड 3 डॉट आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको सेव की ऑप्शन देखने को मिल रही है, आपको सेव कर लेना। आपका जो APN है वो यहाँ पे मिल चुका होगा। अगर आपको कभी आपके जियो के नेटवर्क पे आपके मैसेज तक भी कई दफ़ा आप देखा होगा कि आपके मैसेज तक भी सेंड नहीं होते, तो आपको इसके लिए क्या करना, आपको अपने फ़ोन के अंदर एक APN नहीं रखना, आपको अपने फ़ोन के अंदर 2 APN रखने। अगर आपको बिल्कुल स्पीड नहीं मिले तो आप अपना APN है जियो का चेंज कर लीजिएगा। जियो का